परम सत्कार योग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों फतेह प्रवान करियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां उस धरती नूं नमन कर रहे हैं जिस धरती ने साडी कौम नूं साडे देश नूं एक बहुत ही महान योद्धा दिता जिन्हां दी बदौलत असी अज आजादी का निघ मान रहे हैं। असी कह सकते हैं कि असी आजाद भारत के वसनीक हाँ जिन्हां दी बदौलत असी कह सकते हैं कि तिरंगा साडा है। असी अज उस धरती ते बैठे हैं जिथे कदे इस धरती चो जन्म लैके इत्थे अपने पद चिन्ह छड्डे उस महान योधे ने जिन्हों सारी दुनिया सलामा करती है। मेरे तो पहला राय साहब कह के गए भारत के किसी कोने दे विच चले जाओ शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी नूं दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि कोई होया योधा देश के अंदर कुर्बानी दित्ती देश नूं आजाद करवाउण दे लई। अज कानूनां दे विषय ते बोलण दी बजाए मैं लोड़ समझदा कि अज आजादी दा दिन है अज असी उह गल करिए जिस गल दी अज दे समें दे उत्ते लोड़ है। प्यारे दोस्तों शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने जान वार के एक कुर्बानी साडी कौम नूं लैके दित्ती साडे देश नूं आजाद देश कहाउण दा माण प्राप्त कर करवा के दिता। पर अज साडे देश दे नाल हो की रहा है यह गल्लां देखण दी लोड़ है। जिहड़ी लड़ाई तुसीं सरहदां ते बैठे लड़ रहे हो दिल्ली दे बॉर्डरां ते यह भी एक देश नूं गुलामी दे वल नूं धक्क रही सोच दे खिलाफ लड़ाई है। प्यारिओ ये कल्ले कानूनां दी लड़ाई नहीं ते मैं बहुता समा ना लैंदा होया दोस्तों दो तीन गल्लां याद रखण वालियां हैं। जिस कौम दा जेड़ी कौम दी आर्थिकता टुट जे वह बहुता समा आजाद नहीं रह सकती वह गुलाम हो जाया करती है। जिस कौम दी विद्या ढांचा बर्बाद कर दिता जाए विद्या खो ली जाए विद्या तो हीणे कर दिते जान वह लोग बहुता समा आजाद नहीं रह सकते। जिस कौम दा सभ्याचार उन्हां दे कोलों खो लिया जाए वह कौम बहुता चिर आजाद नहीं रह सकदियां ते जिस कौम दे कोलों उन्हां दी सेहत खो ली जाए वह भी बहुता चिर आजाद नहीं रह सकदियां। अज चारे चीजा साडे नाल वापर चुकियां हैं असी भुल गए उह गल नूं जदों साडा इतिहास दसदा है। अगर उन्हां गल्लां नूं असी स्टडी करदे हां मेरे दोस्तों मैं एक एक गल तो गल शुरू करके समा कि बहुता समा ना लैंदा होया देखियो मैं गल की है कि तुहाडी आर्थिकता जिहड़ी कौम की आर्थिकता खोई जाए वह आजाद नहीं रह सकती आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकती गुलामी आएगी आएगी वो पैरों गुलामी दियां जंजीर पैणगियां पैणगियां। जिमें जिस दिन तुसी अंदोलन शुरू किया बिहार दे विचों साडे कोले नेता आए ते उन्होंने ये गल कही कि साडा जीता करदा अंदोलन करन नूं पर साडे कोले किराया है नहीं दिल्ली आउण लई साडे कोले इत्थे आके राशन साडे कोले इत्थे आके रोटी दे प्रबंध करन लई समर्था नहीं है। इहदा मतलब वह अंदोलन तो पासे बैठे है दूर बैठे है किस कारण गरीबी करके। इस करके मेरे दोस्तों मैं कहा कि आर्थिकता तो टुटे लोग आजादी की लड़ाई ज आजादी बहुता लंबा समा नहीं हंडा सकते। अगली मैं गल कही है
कि विद्या मेरे दोस्तों तुहानू नहीं पता तुहाडे बच्चे गैंगस्टर क्यों बने। असी इन्हां गल्लां तो कोरे हाँ, असी यह सोच के बैठ गए कि साडे बच्चे दा मेरे बेटे दा तां सुखबीर बादल नाल सीधा नाता है, मेरे बेटे दा तां राहुल जी नाल सीधा संबंध है, कट्ठे बह के रोटी खांदे है। असी इस पासे तुर गए, असी यह नहीं देखिया कि तुहाडे बच्चों के हत्थां दे विच्चों किताबां छड़ाउण दा एक षडयंत्र सी दोस्तों, एक षडयंत्र रचिया गया और इन्हां राज करन वालियां धिरां ने एकजुट होके बैठ के, चाहे अकाली ने, चाहे कांग्रेसी ने, चाहे बीजेपी होवे, कोई भी होवे, जिन्हां सारिआं दी इक व्यौंतबंदी है कि आ जिहड़ी साडी विद्यार्थी नौजवान जिहड़े स्टडी हासिल करके विद्या हासिल कर रहे हैं, एक कल नूं अगर आईएएस ते आईपीएस करके इन्हां दे सामने असीं जवाब दे होवांगे, इन्हां दे सवालों के जवाब नहीं दिते जाने। इस करके इन्हां नूं विद्या तो हीणे करो और तुहाडे स्कूलां ते कॉलेजां फड़दे बच्चों नूं मेरे दोस्तों गैंगस्टर बनाया इन्हां लोकां ने, रस्ता तोरिया, थापियां दे दे के पहला तुहाडे बच्चों तो बूथ कैप्चरिंग करवाई, मुकदमे दर्ज होए तुहाडे जवाकां ते, ते उस तो बाद फिर उन्होंने दे मगर लगना साढ़े बच्चों के, जो मुकदमे दर्ज हो गए उन्होंने लोड़ बन के रह गई, तो अज उन्होंने हाथ ठोके बन के साडे बच्चे गैंगस्टर बनते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों इतू पिछे जी तुहाडी पनीरी है, पनीरी तुहाडी पनीरी दे कोलों एक कह के विद्या खोली कि दसवीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना। हुण मैनू ऐ दस्सो जो किसी बच्चे इम्तिहान का डर नहीं होगा, वह पढ़ नहीं पाएगा, तो दसवीं तक जो बच्चे का इम्तिहान ही ना होया, इम्तिहान च पाया ही ना, फेल होने का डर ही ना होया, तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जो बारहवीं ग्यारहवीं च पहुंचेंगे उत्थे अपने आप शांति लग जाएगी, आईएएस ते आईपीएस नहीं कर सकेंगे। एक सोच साजिश के तहत होया तुहाडे नाल और तुहाडे कोलों खोया गया सारा कुछ। अगली मैं गल करदा सी तुहाडी सेहत की दोस्तों, तुहानू ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते रसायनिक खेती दिती, तुहानू बीमार किया, उस बीमारी के इलाज के लिए जिहड़ा इलाज तुसी आयुर्वेद नू वरतदे रहे हैं उहनू पिछा तक के तुहाडे अंदर एलोपैथी लैके आंदी और उस एलोपैथी ने तुहाडे सिर दे दर्द नू तां बड़ा ठीक किया, पर जिहड़े गुरदे खराब किए किसी नू नहीं पता लग्या, जड़ी शुगर हुई किसी को नहीं पता लग्या, आहिस्ता आहिस्ता असी उहदे ते निर्भर हो गए खड़ गए। अज जदों असी कहने कि अंदोलन करना है तो पिंडा चो आवाज आउंदी है गोडे दुखदी है जी तुरिया नहीं जांदा, आवाज आउंदी है मैं तो शुगर का मरीज हाँ जी नहीं जा सकता, हार्ट का पेशेंट हो गया जी मैं अंदोलन च नहीं जा सकता, इत्थे आके खड़ गए। ये गल कित्थे चली गई अंदाजा ला के वेखो। तो मेरे दोस्तों चौथी मैं गल की सी जड़ियां कौमां दा सभ्याचार खत्म हो जाए वह कौमां कदे आजाद नहीं रहिंदियां, तुहाडी कौम दा सभ्याचार किवें खत्म किया इतिहास पढ़ के वेखो, चक के वेखो होईआं खोजां ते। एक खोज होई कि दिवाल दे विच सब तो बहादुर योधा, सब तो बहादुर ते मजबूत जरनैल कौन है, तुहाडे योधे दा नां आया सरदार हरि सिंह नलुए का, हरि सिंह नलुए का नाम आया उत्थे। तो मेरे दोस्तों अगे खोज शुरू हुई कि हरि सिंह नलुआ एडा बहादुर योद्धा क्यों बनिया, तो फिर खोज ने दसिया कि गुरु नानक नाम लेवा है, ये कौन है, ये गुरु नानक दे फलसफे नूं मनण वाला है, इस करके इतों की कौम नूं इतों दे लोकां नूं गुरु नानक दे फलसफे दे नाल तोड़िया जाए। तुहाडे अंदर वैस्टर्न कल्चर आया, तुहाडे बच्चों नूं फिल्मां दिखाईआं, तुहाडे बच्चों नूं गंदे गीत दिते, ते अज साडे की हो गए रह गया, जिस वेले एक ओ हरि सिंह नलुआ जिने एक पठान बीबी नूं कहा कि मैं तेरा बेटा है, तू मेरी मां है, ते अज कित्थे जाके खड़े हो गए, बाप तो बेटी नूं डर लग रहा दोस्तों, भैन नूं भरा तो डर लग रहा है, साडे कल्चर दा बेड़ा गर्क कित्थे होके चलिया गया,
ते योधे कित्थों भालदे हो। इसलिए साडा मतलब है दोस्तों यह सारियां चालां चलियां गईयां साडे नाल इन्हां चालां दे विच्चों यह जदों मजबूती नाल सारियां तुहाडे ते लागू करतियां फिर आ गैट लेके आए यह जिहड़े गैट दे थ्रू अज कानून बन के आए तुहाडी जमीन लैण दी तैयारी कीती गई। यह बहुत लंबी कहानी है कितने फिर खड़ के गल्लां करांगे। स्टेज सैकटरी साहब वालों इशारा हो गया इन्नी हाजरी प्रवान कर लियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग